गोरखनाथ मंदिर परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर साप्ताहिक योग प्रशिक्षण शिविर एवं योग अध्यात्मक शिक्षण कार्यशाला के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि कटक उड़ीसा से पधारे महंत शिवनाथ जी महाराज ने कहा कि भारतीय ऋषि मुनियों की देन योग भारत की एक अत्यंत प्राचीन विरासत है। इस विरासत को महायोगी गोरखनाथ जी की सिद्धपीठ गोरक्षपीठ ने सुरक्षित रखा और उसे जनता के बीच जीवित बनाए रखा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में करोड़ों लोग प्रतिवर्ष विश्व कल्याण के लिए योग पर अपनी प्रतिबद्धता जारी करते हैं। इस अवसर पर साप्ताहिक योग प्रशिक्षण शिविर एवं शैक्षिक कार्यशाला का आयोजन एक अनुकरणीय प्रयास है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के पूर्व कुलपति महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह ने कहा कि श्री गोरक्षपीठ एक योग पीठ है। महायोगी गोरखनाथ जी क्रियात्मक योग के आदि स्रोत हैं। अचेतन मन को चेतन करने में योग की पहली भूमिका है। योग भारत की ऋषि परंपरा है। हठ योगी राजयोग का आधार है। अध्यात्म की सृष्टि तब होती है जब विज्ञान बौना हो जाता है। योग एवं आध्यात्मक एक दूसरे से पूर्णतः बद्ध है। समारोह में प्रस्ताविकी करते हुए महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज जंगल धूसर गोरखपुर के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप राव जी ने कहा कि मन का नियंत्रण ही योग है। भारत के सांस्कृतिक मूल आधार योग है, क्योंकि चित्त की प्रवृत्तियों को नियंत्रण करना हमारी संस्कृति का मूल अंग है और यह योग के द्वारा ही संभव है। किंतु उम्र, देश, काल के अनुसार सही योगासनों का चयन करना चाहिए। पंडित रंगनाथ त्रिपाठी ने वैदिक मंगलाचरण, गुरुषटक्ष पाठ एवं वंदे मातरम संस्कृत विद्यालयों के छात्रों द्वारा प्रस्तुत किया गया। अतिथियों का आभार ज्ञापन योगाचार्य डॉक्टर चंद्रजीत यादव ने किया। मंच का संचालन डॉक्टर राजशरण साही ने किया। आज के कार्यक्रम के मुख्य मंच सुधार जी द्वारा जो कार्यक्रम का गीत संकलन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा
इसके साथ एक हिस्सा और जुड़ा, वो शिक्षा का था, शैक्षिक का साधक है। उद्देश्य साफ था कि गोरक्ष पीठ द्वारा संचालित सभी योग स्वास्थ्य और सेवा के जितने भी आयोजन हैं उनको वर्ष में एक बार 7 दिन के अंतर्गत हम प्रेरणा दे सकें, दिशा दे सकें और जिसके आधार पर एक वर्ष तक हम काम करें, इस उद्देश्य को लेकर के यह साप्ताहिक योग शिविर एवं साप्ताहिक शैक्षिक कार्यशाला एक साथ जोड़कर के प्रारंभ की गई। हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक व्यापक प्रशिक्षण के साथ इसमें नगर के सभी लोग आमंत्रित होंगे, कोई भी उसमें सम्मिलित हो सकता है। गोरखनाथ मंदिर का पूरा परिसर योग में लिखे इस आयोजन के साथ हम उसका भव्य समारोह करते हैं। वंदे जगदानं जगदजननं दोनों का जो योग है, पतंजलि का जो सूत्र है, परमानंद का जो अष्टयोग है, इसका तुलनात्मक व्याख्यान मैं करता हूँ। आज का विषय योग के विभिन्न पक्षों के ऊपर एक था, इसमें हम लोगों ने पूजनीय महंत श्रीनाथ जी का एक बड़ा ही उत्प्रेरक ज्ञानवर्धक हम लोगों ने उद्बोधन सुना। मैं इस विषय का ज्ञाता नहीं हूँ और ऐसे जहाँ ऐसे प्रबुद्ध विद्वान लोग बैठे हों उनके बीच में मैं योग विभिन्न विषय के ऊपर की सैद्धांतिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक या किसी पक्ष के ऊपर कोई उद्बोधन देना मेरे लिए थोड़ा एम्बैरेसमेंट मालूम पड़ता है। यह तो स्पष्ट है कि योग के विभिन्न पक्षों, चाहे उसका सैद्धांतिक पक्ष हो, व्यवहारिक पक्ष हो, आध्यात्मिक पक्ष हो, ये जो योग शिविर है ये हर साल होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जून 21 तारीख है, 21 तारीख पहले, एक सप्ताह पहले हमारे यहाँ योग शिविर होता है गोरखनाथ मंदिर में। गोरखनाथ महाजोगी गोरखनाथ योग संस्थान संस्था है जिसका फाउंडर हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो कि मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने इसको शुरू किया। ये हर साल एक क्लास होता है, मैं आता हूँ यहाँ क्लास लेने के लिए। तो इसमें हठयोग, राजयोग, मंत्रयोग और लययोग, ये 4 प्रकार के योग जो गोरखनाथ जी इसका संस्थापक हैं, ये सब हम सिखाते हैं। हठयोग में आसन, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि हम सिखाते हैं। आसन प्राणायाम द्वारा कैसे रोग दूर होता है, कौन सा रोग दूर होता है, इसके बारे में हम बताते हैं। गोरखनाथ जी ने कहा आसन है ना रुजु अंती, आसन से रोग दूर होता है। हठयोग प्रदीपिका में कही गई है ये प्राणायाम में नियुक्त है ना सर्व रोग क्षय भवेत, प्राणायाम द्वारा सब रोग दूर हो जाता है। इसी तरह मुद्रा के बारे में कही गई है हठयोग प्रदीपिका में ये इदम मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम, जरा मरण का ऊपर विजय हासिल कर सकता है साधक है। तो जरा मीन्स वार्धक्य, वार्धक्य बा ओल्ड एज, और मरण मृत्यु का ऊपर विजय हासिल कर सकता है। तो ये योग ऐसे एक साधना है जिससे शरीर सुस्त रहता है, मानसिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त होती है। ये जो हम लोग आसन प्राणायाम सिखाते हैं, ध्यान सिखाते हैं, षटकर्म, हठयोग में 6 प्रकार के क्रिया है, धौतिर्वस्ति तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भाति चैतानि षटकर्माणि प्रचक्यते, धौति, वस्ति, नेति, त्राटक, नौली, कपाल भाति, ये 6 प्रकार क्रिया हम सिखाते हैं। तो इससे क्या होता है, पूरा शरीर शोधन हो जाता है, शरीर शोधन हो जाता है, विभिन्न रोग बीमार दूर हो जाता है। गरण संगीता में कही गई है षटकर्मणा शोधनम च, संपूर्ण शरीर शोधन हो जाता है, संपूर्ण शरीर का जो विकार है ये नष्ट हो जाता है, शरीर शुद्ध हो जाता है षटकर्म के द्वारा। तो ऐसे शरीर शुद्ध होता है, नाड़ी शरीर का अंदर 72,000 नाड़ी है, 72,000 नाड़ी जर दैर, वो नाड़ी सब शुद्ध हो जाता है। तो इसके बाद आसन प्राणायाम ध्यान सिखाते हैं, बंध मुद्रा क्रिया, 3 प्रकार के बंध हैं, उड्यान बंध, जालंधर बंध, मूल बंध, ये सिखाते हैं। मुद्रा भी महामुद्रा, महाबंध, महाभेद, खेचिल मुद्रा,
ये सब मुद्रा हम सिखाते हैं, शक्ति चालन मुद्रा इसको हम सिखाएंगे। ये सप्त अधिवेशीय, हाँ जी, योग शिविर, हाँ योग शिविर में इसमें सारा देश के लोग आते हैं। अभी जो शिविर है, इस साल जो शिविर चल रहा है, इसे हरियाणा से आए हैं, हरियाणा और मध्य प्रदेश से साधक लोग आए हैं, इटली से एक आई है, एक रिसर्च स्कॉलर जो कि नाथ संप्रदाय के ऊपर रिसर्च कर रही है, वो भी योग शिक्षा लेगी यहाँ से, और वहाँ उड़ीसा, बंगाल, आसाम, त्रिपुरा से भी बहुत 15-16 आदमी आए हैं। ये सब, ये एक राष्ट्रीय शिविर है, राष्ट्रीय योग साधना शिविर है। तो भारतवर्ष के हर प्रांत के लोग आते हैं यहाँ। मंदिर तरफ से हमारे परम पूज्य महाराज जी, योगी आदित्यनाथ जी महाराज, सबके लिए रहने का, खाने का सब फ्री व्यवस्था कर दिया है। कोई भी आदमी आएगा योग सीखने के लिए, रहने के खाने का सब फ्री है। तो इसलिए यहाँ बहुत लोग आते हैं योग शिक्षा करने के लिए। केवल योग ट्रेनिंग नहीं है, योग का द्वारा जो योग तो एक थेरापी है, जिससे रोग बीमार दूर होता है, इसका भी ट्रेनिंग दिया जाता है। और ध्यान, धारणा, समाधि, इसका बारे में त्राटक भी हम सिखाते हैं, चक्र रोग दूर करने के त्राटक सिखाते हैं, अजपा जप। दुनिया में जितने प्रकार के जप है, हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता है, हर देवता का नाम एक मंत्र होता है, किंतु सबसे चरम परम श्रेष्ठ मंत्र होता है अजपा जप। गोरखनाथ जी ने इसको कहा अजपा जप, श्वास श्वास के साथ साथ एक मंत्र है, ये मंत्र हम जप करते हैं, हंसो ओम हंसो ओम, यह मंत्र जप करते हैं। तो इसके बारे में भी हम शिक्षा देते हैं। और कुंडलिनी जागरण, षट चक्र साधना, शरीर का अंदर 6 चक्र है, जब कुंडलिनी जागृति होती है, षट चक्र भेदन करती हैं, तो लास्ट में ब्रह्मरंध्र में भगवान शिव के साथ शक्ति का मिलन होता है। योग का अर्थ होता है मिलन, शिव शक्ति का मिलन, व जीवात्मा परमात्मा का मिलन, यही है सब।